मेरे बहुत ही सामने जैसे कि आप कहते हैं पुरवकार तकनीक आज ये नए कि मेरे आप इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट की निगरानी खालिद साहब ने जो इतना प्यारा प्रोग्राम सजाया कि जो आज एक तकमील कुरान की एक बहुत बड़ी महफिल को एक तरह से अंजाम दिया जहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान का नुज़ूल भी इसी महीने में और कुरान का नाज़िल किया गया। तो आज हम पूछते हैं कि रब तआला सब ने तरफ राशि पढ़ते हैं सब ने राशि पढ़े बिस्मिल्लाह का मतलब तुम सब को पता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के शुरू में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें रब का एक लफ्ज आ रहा है रब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा कि रब किसे कहते हैं और रब के मायने हैं पालने वाला। कलाम भाई अपने घर के पालने वाले रबुल बैत हैं, इसी तरह अपने अपने घर के लोग पालने वाले रबुल बैत कहलाते हैं। इनको पता है कि बच्चों की फीस कब देनी है, इनको पता है घर का किराया कब देना है, इनको इल्म है कि बिजली का बिल कब देना है, इनको मालूम है कि हमें घर के अंदर क्या राशन ला के देना है या बच्चों में क्या नशोनुमाई की चीज़ की जरूरत है, उसके हवाले से अपने घर की कफालत फरमा रहे हैं। पर वो रब कायनात जो तमाम जहानों का रब है, उस रब कायनात के बारे में कभी हम सोचते भी नहीं ना सोचने पर मजबूर होते हैं कि उसकी नेमत आजमा की बरकतें हम पर करी हैं। इस सारी जिंदगी में अगर हम सोचते रह गए तो शायद हमारी सोच वहाँ तक ना पहुँचे। मिसाल के तौर पर ये मेरी उंगली है, इसका इतना सा हिस्सा है, इतना सा हिस्सा इसमें लाखों की तादाद में बैक्टीरियाल मौजूद है और इन्हें भी नेचर को बदल रखते हैं। जमीन के अंदर पत्थर है, पत्थर के अंदर भी कीड़ा है, कीड़े के अंदर भी रिजेक्ट पहुंच रहा है, इसकी जिम्मेदारी अपने कायनात की। समंदर के अंदर मछलियां हैं, हर किस्म के जानवर पाए जाते हैं, दुनिया में हैवानात पाए जाते हैं, इंसान पाए जाते हैं, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। सबका सबको पालने वाला मेरे रब कायनात, उस रब कायनात ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कि तमाम जहानों का पालने वाला। कभी हमने ये सोचा कि हम अगर उसकी दी हुई नेमत को उसके हुक्म को बजा नहीं लाएंगे तो क्या अल्लाह सोचा हमें खाना पीना बंद कर देगा, क्या हम किसी के पास अगर जॉब पर खाली भाई के पास अगर मैं मुलाजिम हूँ चालू तौर पर तो खाली भाई अगर मैं दो दिन तीन दिन काम पर नहीं आऊँगा आप क्या फरमाइए कि भाई खाली के बाद लोग कोई काम पर नहीं दूंगा। लेकिन वो रब कायनात वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है ये काफिर है, ये है कौन। रब कायनात हमारी तमाम नशोनुमा पूरी फरमा रहा है। कुफ्र या इबारात के बाद की एक छोटी सी बात मैं करता चलूँ, उलमा इकराम स्टेज पर मौजूद है, शैतान को मर्दूद किया गया इस बात पर। आज हम लोग कहते हैं कि शैतान जो है ना सच्चा ना करने पर इनकार करने पर मर्दूद हो गया, तो ऐसा है उलमा इकराम मौजूद है स्टेज। शैतान ने तो अल्लाह तआला को बताया कि किसी बात का इनकार ही नहीं किया, उसने तो इतने सजदे किए, दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां उसका सजदा ना हो। वो दाऊद राजा उसके पास फरिश्ते जाते थे अपनी दुआएं लेकर, दुआएं पूरी करता रहा लेकिन वो मर्दूद कैसे हो गया। आज हम कहते इतना बड़ा आलिम इतना कैसे बन जाता है, ये कैसे हो जाता है। शैतान का कुछ होने के बाद भी मर्दूद किस लिस्ट में आया, क्योंकि उसने रब तआला से ये फरमाया मेरा तो मुझे कहेगा मुझे सजदा करो, तेरी बात करता रहूंगा, तेरे से जो हुक्म तेरा सलाम है लेकिन मैं इसको सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपसे बड़ा तकब्बुर आया। हम ये छोटी सी सोच रखते तकब्बुर, अभी हमने सोचा कि इस बात पर नहीं हुआ, बात किया है कि उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी आज तक नहीं की,
नबी की शान में गुस्ताखी की और उम्र दूर हो गया। अगर हम इस गुस्ताखी के ऊपर आते हैं और रहमत वाली बात पर वापस आता चले तो मेरे दोस्तों अपने महबूब को उसने रहमत आलमीन बना कर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और भेजा वो भी जाता है जो पहले नहीं रहता। जब रहमत बनाकर भेजा तो आज के हवा पानी इसके ऊपर रहमत है। आज हम रहमत है रमजान पहले शरीर है ना, ये रहमत है अल्लाह तआला बता रहे। अगर हम पर हवा बंद कर दी जाए, सांस लेने का सिस्टम बंद हो जाए तो हमारी क्या हालत होगी? हम पर किसी भी किस्म की रहमत अगर बंद हो जाए तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो ये रहमत सब मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत के साथ मिलेगी तो क्या मिलेगी? إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَا عَلِمَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ بِشَكْ اللَّهُ کے فرشتے اور بے شک کوئی شک والی بات نہیں بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیر بتانے والے نبی پر तो किसी जान बदला इशारा कर रहा है तो ऐ ईमान वालों मोमिनों से तो ऐ ईमान वालों तुम भी इन पर खूब दुरूद सलाम दे वाकई दावा है।